टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके टीम इंडिया का मजाक उड़ाया। लेकिन अब शहबाज शरीफ का यह मजाक उनको भारी पड़ रहा है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने इस ट्वीट के लिए शहबाज शरीफ को बेइज्जत किया। पाकिस्तान के लोगों ने तो जी न्यूज के कैमरे पर शहबाज शरीफ को ऐसा आईना दिखाया कि वो अपना सिर पकड़ लेंगे। देखिए मेलबर्न से जी मीडिया संवाददाता कपिल वशिष्ठ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपना मुल्क चलाने के लिए विदेशों में घूम घूम कर खैरात मांगने वाले मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद एक ट्वीट किया, जिसने दुनिया भर को बता दिया कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठा शख्स कितनी हल्की बात कर सकता है। लेकिन अब जिस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए शहबाज ने ट्वीट किया, जिस पाकिस्तानी जनता को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया, वो खुद शहबाज शरीफ को बेइज्जत कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इशारों में और पाकिस्तान की जनता ने खुलकर जी न्यूज के कैमरे पर कह दिया कि शहबाज शरीफ को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ की बात को आप इतना सीरियस ना लो, उसको तो मुल्क में कोई नहीं पूछता। शहबाज शरीफ को ना मैं पर्सनली और मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानी खुद भी पर्सनली अब इतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो बातूर भी जाना जाता है और सब भी जाते हैं वहाँ पर इंग्लैंड, खाना खाना होता है जाते हैं इंग्लैंड। ये तो शहबाज शरीफ की बेइज्जती का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर देखेंगे तो आप हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। शहबाज शरीफ की बेइज्जती की पूरी पिक्चर दिखाने से पहले हम आपको शहबाज शरीफ के इस ट्वीट के बारे में बताते हैं, जिसके बाद ये पूरी कहानी शुरू होगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था 152 विदाउट लॉस वर्सेस 170 विदाउट लॉस इस रविवार, तो इसके मायने ये थे कि भारत की जिस तरह से हार हुई इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, उसको लेकर एक तंज था शहबाज शरीफ का। ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, रविवार को 0 विकेट पर 152 बनाम 0 विकेट पर 170 का फाइनल होने वाला है। चलिए अब आपको इस ट्वीट के मायने भी समझा देते हैं। T20 विश्व कप 2021 में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था, जिसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तानी ओपनर्स ने बिना विकेट खोए 152 रन बनाए थे। वहीं T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया, इंग्लैंड के ओपनर्स ने भी बिना विकेट खोए 170 रन बनाए। शहबाज शरीफ ने दोनों स्कोर की तुलना की और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच फाइनल होना है। कुल मिलाकर ट्वीट करके शहबाज शरीफ ने टीम इंडिया का यानी भारत का मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस ट्वीट पर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक खूब हल्ला हुआ। हिंदुस्तानियों ने तो शहबाज को फौरन आईना दिखा दिया था। अब बारी पाकिस्तान के लोगों और क्रिकेटरों की थी और जी न्यूज संवाददाता कपिल वशिष्ठ के एक सवाल के जवाब में बाबर आजम ने पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की असली हैसियत सबको समझा। मैं कपिल वशिष्ठ जी न्यूज इंडिया से हूँ। जिस तरह से हिंदुस्तान के सेमीफाइनल में हारने के बाद आपके वजीर आजम ने ट्वीट किया 152 विदाउट लॉस और वर्सेस 170 विदाउट लॉस इस रविवार को, तो मैं पूछना यह है कि जब आपके देश का जो करोड़ों का नुमाइंदा है वो इस तरह से ट्वीट करता है तो थोड़ा सा दबाव ज्यादा बढ़ जाता है क्या कि सब लोग देख रहे हैं? नहीं, दबाव तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली सॉरी टू से मैंने देखा नहीं है इस ट्वीट को और मुझे इस चीज़ का भी नॉलेज नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि प्रेशर बढ़ता है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी ओपोनेंट हो उसके लिए उनके अगेंस्ट अपना बेस्ट दें और बेस्ट क्रिकेट खेलें। यानी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने साफ कर दिया कि शहबाज शरीफ उनके लिए इतने महत्वपूर्ण है ही नहीं कि वो उनका ट्वीट देखें। एक बार फिर से सुनिए जी न्यूज के सवाल पर बाबर आजम ने क्या जवाब दिया। जब आपके देश का जो करोड़ों का नुमाइंदा है वो इस तरह से ट्वीट करता है तो थोड़ा सा दबाव ज्यादा बढ़ जाता है क्या कि सब लोग देख रहे हैं? नहीं, दबाव तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली सॉरी टू से मैंने देखा नहीं है इस ट्वीट को और मुझे इस चीज का भी नॉलेज नहीं है। बाबर आजम की ये बात सुनकर हमने मेलबर्न में मौजूद पाकिस्तानी लोगों से भी राय ली, आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है। तो कुछ पाकिस्तानियों को लगा शायद खेल में बिजी होने की वजह से बाबर आजम ने ट्विटर से दूरी बना दी। आप बताइए, बाबर आजम ने आपके वजीर आजम का ट्वीट ही नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देख लिया, वायरल हो गया। सर हो सकता है वो बिजी हो, मैचेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और शायद फोन ना यूज करते हो। आप धोनी भी तो फोन यूज नहीं करते जब वो वर्ल्ड कप पे होते हैं, तो आप ये बात मतलब कंसिडर की जा सकती है कि उन्होंने ना देखा हो। और बाकी इमरान खान पसंद है या शहबाज शरीफ पसंद है वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उस पर हम क्या कमेंट करें। पाकिस्तानी फैन की बात सुनकर हमने एक बार फिर से बाबर आजम के ट्विटर हैंडल को खंगाला तो मालूम चला
बाबर तो ट्विटर पर काफी एक्टिव है और जिस वक्त इमरान खान पर हमला हुआ था उन्होंने फौरन ट्वीट करके उनको गेट वेल सून तक कह दिया था। इमरान खान पर हुए इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। अल्लाह कप्तान को सलामत रखे और हमारे प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। यानी ट्विटर पर बाबर आजम खूब एक्टिव है। इसके अलावा भी बाबर ने कुछ फोटोग्राफ्स ट्विटर पर पोस्ट किए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का ट्वीट उनके लिए फिजूल है। इसके बाद मेलबर्न में मौजूद पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ को आईना दिखाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ की बात को आप इतना सीरियस ना लो, उसको तो मुल्क में कोई नहीं पूछता, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। ऐसा है क्या? ये है, ऐसे ही है बिल्कुल। वो तो सिर्फ इस्लामाबाद का जो 30 मीटर का ये 40 मीटर का जो स्क्वायर है ना, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, बाकी पूरे मुल्क में कोई नहीं पूछता उसको। तो किसको सीरियसली लेते हैं? इमरान खान। जिंदाबाद, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। ये तो बस ट्रेलर था। हमने जैसे जैसे बात आगे बढ़ाई वैसे वैसे पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर हैसियत समझा दी। किसी ने कहा शहबाज की पार्टी PMLN सर्कस है, किसी ने कहा उनको पिंजरे में रहना चाहिए। शेर को पिंजरे में रखते आजाद छोड़ते नहीं है। PMLN का निशान क्या है? शेर है। ओके, उनको तो पिंजरे में रखना चाहिए। उनको पिंजरे में रखना चाहिए, पिंजरे में अच्छा है, उसमें खेल दिखाएगा, कुछ भी करेगा, हम लोग खुश होंगे। और जो इमरान खान है वो हम लोग से बहुत प्यारी के, हम लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि उसको सेहत हो, अच्छी अच्छी हो, दोबारा आए। शहबाज शरीफ से अपने मुल्क के मसलों पर डिसीजन नहीं लिए जाते और वो बार बार इंग्लैंड की तरफ भागते हैं ताकि अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से सलाह ले सके। मेलबर्न में मौजूद क्रिकेट प्रेमियों ने शहबाज की इंग्लैंड यात्राओं का भी खूब मजाक उड़ाया। अब बताओ प्रधानमंत्री का ट्वीट ही नहीं देख रहे हैं कप्तान आपके? वो नहीं देख रहे हैं क्योंकि अपने आप को सामने लाना नहीं चाहते ना, वो शर्मा रहे हैं। अब वो हर चीज शर्मा रहे, पाकिस्तान में रहते हैं मगर भाग जाते हैं इंग्लैंड। अब वो उसको बाथरूम भी जाना जाता है, सब भी जाते हैं वहाँ पर इंग्लैंड। खाना खाना होता है जाते हैं इंग्लैंड, पानी पीना होता है जाते हैं इंग्लैंड। तो करें क्या, पाकिस्तान में क्यों है? वो मरे जिए वहाँ पर इंग्लैंड में। भारतीय टीम पर शहबाज शरीफ के ट्वीट को पाकिस्तानी खुद गलत मान रहे हैं। यानी जो काम शहबाज शरीफ ने अपनी लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए किया था उससे उनकी और ज्यादा लालत मलालत हो रही है। शहबाज शरीफ को ना मैं पर्सनली और मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानी खुद भी पर्सनली अब इतना अप्रिशिएट नहीं करते, तो उनके ट्वीट को इतना ना सीरियसली लिया जाए और फोकस गेम पे फोकस किया जाए। आई थिंक हमें ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए और शहबाज शरीफ को इस एज में आके। और भारत के खिलाफ ट्वीट तो शहबाज शरीफ ने किया था लेकिन पाकिस्तानियों ने तो उनके भाई नवाज शरीफ को भी लपेट लिया। नवाज इलाज के नाम पर लंदन भाग गए और अब वहीं से पाकिस्तान को रिमोट से चला रहे हैं। इंग्लैंड वालों से हमने बदला लेना है क्योंकि उन्होंने 2 साल से हमारा मरीज अभी तक सही नहीं किया। ये बहुत सीरियस नोट है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी तो मेलबर्न में अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जमकर कोस ही रहे हैं लेकिन बाबर का बचाव करते हुए टीम इंडिया से सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। इस वक्त बाबर आजम सिर्फ मैच पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो इंडिया को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, अब इंडिया का बदला बाबर आजम इंग्लैंड से लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो अभी पॉलिटिक्स को साइड पर रख के ताकि इंडिया हमें सपोर्ट करे, ताकि इंडिया की सपोर्ट कहीं दूसरी तरफ न चली जाए, इसलिए वो उस ट्वीट को ज्यादा उजागर नहीं कर रहे। फिलहाल मेलबर्न से जी न्यूज संवाददाता कपिल वशिष्ठ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि शहबाज शरीफ के लिए टीम इंडिया को कोसना उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती का सबब बन गया है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, उनके ट्वीट पर पाकिस्तान भी शहबाज को शेम शेम कर रहा है। बाबर आजम को इमरान खान की चिंता तो है लेकिन शहबाज शरीफ के लिए फुर्सत नहीं है। कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है क्योंकि जी न्यूज के सवाल के जवाब में बाबर आजम ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान की सियासत को दिलचस्प तरीके से बयां भी कर गया। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ मेलबर्न से जी न्यूज के लिए मैं कपिल वशिष्ठ।